झरिया में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक माने जाने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने झरिया के कई जगहों पर किया वाहन जांच। इस दौरान कई लोगों का चालान भी काटा गया। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग और ऑटो में 5 सवारी बैठाने का आदेश दिया गया है, लेकिन कई ऑटो में 5 से अधिक सवारी पाए गए हैं, जिसको लेकर वैसे ऑटो ड्राइवर का चालान काटा गया। वहीं लोगों से अपील भी की कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें ताकि इस कोरोना चैन को तोड़ा जा सके। सप्ताह का सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण धनबाद जिले में न फैले, इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी धनबाद के द्वारा भी निर्देश दिया गया है, साथ ही राज्य सरकार के द्वारा भी निर्देश दिया गया है, जिसमें वाहनों में चलने वाले लोगों को भी कई निर्देश है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है। उसी के तहत आज यहां चेक किया जा रहा था कि लोग जो वाहनों में चल रहे हैं वो बिना मास्क के भी कुछ लोग मिले, और साथ ही साथ ऑटो है, सवारी बसेस है, जिसमें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पाए गए, उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि एक ऑटो में सर लगभग जो है कि 10 लोग बैठा करते थे, तो अभी इस कोरोना संक्रमण में कितने लोग बैठेंगे पे कार्रवाई की जा रही है। ऑटो में बीच सीट में 2 लोग और पीछे में 2 लोग हैं, आगे तो बिल्कुल ही नहीं बैठाना है।